नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल लई उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रोज़ाना एक मॉक टेस्ट है हरियाणा जीके का, वो हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी SI के लिए लगाते हैं। तो जो पिछला हमारा मॉक टेस्ट था, यानी मॉक टेस्ट नंबर 25, उसमें हमने हरियाणा जीके के करंट जीके के इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन किए थे। तो उसी क्लास को क्या हम कंटिन्यू करते हुए आज मैंने इस मॉक टेस्ट में 51 क्वेश्चन है वो ऐड किए, यानी आज ये 51 नंबर का आपका मॉक टेस्ट होगा। तो इसको आप ध्यान से लगाइएगा। अगर आप हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी SI के अलावा हरियाणा पुलिस, हरियाणा पटवारी, हरियाणा ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये प्रैक्टिस आपके लिए क्या महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बहुत से मेरे भाई बहनों कमेंट भी आते हैं और वे अपने नंबर भी बताते हैं कि उनके कितने नंबर आए हैं, और वे अपनी क्वेरी भी पूछते हैं। तो इस प्रकार अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई है वो जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे इस मॉक टेस्ट को, जो आज का हमारे 26वां मॉक टेस्ट होगा। तो आपकी स्क्रीन पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? विवेक विचार और विवेक दोहावली नामक पुस्तकें किसने लिखी? आपको बताना है कि विवेक विचार और विवेक दोहावली नामक पुस्तकें वो किसने लिखी। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र आहूजा ने। ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र आहूजा ने लिखी है विवेक विचार और विवेक दोहावली पुस्तकें। तो पुस्तकों से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हरियाणवी ने थाईलैंड में लोक नृत्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? आपको बताना है कि किस हरियाणवी ने थाईलैंड में लोक नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुरभि काठपाल ने। सुरभि काठपाल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में पौधों के लिए कौन सी लैब स्थापित की जा रही है? आपको बताना है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में पौधों के लिए कौन सी लैब है वो स्थापित की जा रही है, ये आपको बताना है। और इसमें आपके जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर लैब। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के किस जिले का नाम 55,000 से अधिक महिलाओं के मैराथन में भाग लेने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड में बुक किया गया है? आपको बताना है कि हरियाणा के किस जिले का नाम 55,000 से अधिक महिलाओं के मैराथन में भाग लेने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में दर्ज किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पानीपत में, जो शायद पिंक मैराथन के नाम से भी जाना गया था, इसको पानीपत में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के कौन सी यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड का दर्जा पाने वाली दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई है? आपको बताना है कि हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड का दर्जा पाने वाली दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, IMDU जिसको बोलते हैं, वो बनी है A+ ग्रेड का दर्जा पाने वाली दूसरी यूनिवर्सिटी। और पहली कौन सी है? पहली है वो KUK है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली वाली क्या है? KUK है, और दूसरी कौन सी है? MDU। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश की पहली महिला विधायक कौन बनी थी? आपको बताना है कि हरियाणा प्रदेश की पहली महिला विधायक कौन बनी थी। आपके सामने आपके चारों ऑप्शन हैं, और इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेहलता। स्नेहलता बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस गांव में बोरवेल में गिर नदीम नामक बच्चे को सहकुशल बचाया गया? ये अभी थोड़े दिन पहले हुआ था। हरियाणा के किस गांव में बोरवेल में गिरे नदीम नामक बच्चे को सहकुशल बचाया गया था? तो ये बच्चा था, ये बालसमंद गांव है हरियाणा में हिसार के पास, उसमें गिरा था, तो ये बचाया गया था। और ये अभी पीछे की बात है, थोड़े दिन पहले ही हुआ था ये। नेक्स्ट,
वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वीर एवं शहीदी दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसकी याद में मनाया जाता है, वीर शहीदी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, ये आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। और इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मोदी के वक्तव्यों पर आधारित किस पुस्तक के ई संस्करण का विमोचन किया? आपको बताना है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मोदी के वक्तव्यों पर आधारित किस पुस्तक के ई संस्करण का विमोचन किया, तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ भारत संकल्प में से सिद्धि। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है, स्वस्थ भारत संकल्प से सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में बदमाशों को पकड़ने के लिए गठित सोशल टास्क फोर्स के लिए कितने पद स्वीकृत किए गए हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हरियाणा में बदमाशों को पकड़ने के लिए गठित सोशल टास्क फोर्स के लिए कितने पद स्वीकृत किए गए हैं, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 150, यानी 150 पद है वो स्वीकृत किए गए हैं हरियाणा में बदमाशों को पकड़ने के लिए। एक सोशल टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें 150 पद है वो स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से पानीपत तक नेशनल हाईवे को कितने लेन का बनाया जा रहा है? आपको बताना है दिल्ली से पानीपत तक नेशनल हाईवे को कितने लेन का बनाया जा रहा है, तो आपको बताना है कि कितने लेन का बनाया जा रहा है, तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 लेन का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो दिल्ली से पानीपत तक का नेशनल हाईवे है उसको 12 लेन का बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने साल बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया है? आपको बताना है कि हरियाणा में कितने साल बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया है, तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद क्या हरियाणा में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने किसके द्वारा लिखित झड़ते पत्ते नामक किताब का विमोचन किया है? सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के राज्यपाल का क्या नाम है, वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। और उन्होंने किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है कौन सी, झड़ते पत्ते, वो विमोचन किया, तो इसके राइटर पूछा आपसे, तो इसके राइटर है वो है डॉक्टर संजीव कुमारी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजेंड ऑफ करण उपन्यास के रचयिता कौन से लेखक है? आपको बताना है कि लीजेंड ऑफ करण उपन्यास के रचयिता कौन से लेखक है, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, करणवीर अरोड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, करणवीर अरोड़ा है लीजेंड ऑफ करण उपन्यास के रचयिता। तो जितने भी बुक और उपन्यास है उनके राइटर, उनको अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के माता मनसा परिसर में 11वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? आपको बताना है कि हरियाणा के माता मनसा परिसर में 11वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया, तो यह किया गया 23 से 29 जनवरी 2019 में किया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हरियाणा में पशुओं की गणना कब से शुरू हुई है? आपको बताना है कि हरियाणा में पशुओं की अभी गणनाएं शुरू हुई है वो कब से शुरू हुई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 जनवरी से हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद एवं पशुपालन विभाग हरियाणा द्वारा प्रकाशित किस वस्तु का विमोचन किया? आपको बताना है हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद एवं पशुपालन हरियाणा विभाग पशुपालन विभाग हरियाणा द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया है, यानी कौन सी पुस्तक है वो, ये आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है,
नव पशु युग जन चेतना, नव पशु युग जन चेतना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सहित कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहुउद्देशीय बांध परियोजना के निर्माण के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको बताना है कि हरियाणा सहित कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहुउद्देशीय बांध परियोजना के निर्माण के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने पर किए हैं ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली के तहत कितने किसानों ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना के तहत लाभ लिया है? आपको बताना है हरियाणा में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली के तहत कितने किसानों ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना के तहत लाभ लिया है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 15,278, 15,278 किसानों ने क्या इसका लाभ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ए क्रिसमेटिव विजनरी स्टेट्समैन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है नरेंद्र मोदी ए क्रिसमेटिक विजनरी स्टेट स्पेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आदिशा अग्रवाल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरा ऑफ मोरनी हिल्स विजिटेटिव सर्वे ऑफ मोरनी हिल्स तथा मोरनी क्षेत्र के महत्वपूर्ण औषधीय पादप नामक 3 किताबें किसने लिखी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फ्लोरा ऑफ मोरनी हिल्स ये एक पुस्तक का नाम है, विजिटेटिव सर्वे ऑफ मोरनी हिल्स ये दूसरी पुस्तक का नाम है, और तीसरी पुस्तक है वो मोरनी क्षेत्र के महत्वपूर्ण औषधीय पादप नामक ये भी तीसरी पुस्तक है। तो ये किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य बालकृष्ण ने, ऑप्शन नंबर सी आचार्य बालकृष्ण ने ये पुस्तकें लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कब से लेकर अब तक के रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिए हैं? आपको बताना है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कब से लेकर अब तक के रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिए हैं? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 से लेकर अब तक के जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन कर दिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच मेट्रो सेवा कब तक शुरू होगी? आपको बताना है हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच मेट्रो सेवा कब तक शुरू होगी? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, 2021 तक। 2021 तक क्या है फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच क्या मेट्रो सेवा वो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा में अंत्योदय सरल केंद्रों पर लोगों को 35 विभागों से संबंधित कितनी नागरिक सेवाएं एक स्थान पर प्रदान की जा रही है? आपको बताना है हरियाणा में अंत्योदय सरल केंद्रों पर लोगों को 35 विभागों से संबंधित कितनी नागरिक सेवाएं एक स्थान पर प्रदान की जा रही है आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 425। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर कितने नए अंत्योदय केंद्र व सरल केंद्र शुरू किए गए? आपको बताना है कि हरियाणा में 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर कितने नए अंत्योदय केंद्र व सरल केंद्र शुरू किए गए ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 34, यानी 34 केंद्र वो शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा नगर निगम अधिनियम सभी जगह लागू है? आपको बताना कि हरियाणा में कौन सा नगर निगम अधिनियम है वो सभी जगह लागू है? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर निगम अधिनियम 1994, यानी 1994 जो अधिनियम है वो लागू है सभी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आपको बताना है कि हरियाणा गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा मनाया था ये ऑप्शन नंबर सी, 50वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस पर आपको बताना है कि विश्व महासागर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है?
विश्व महासागर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कब? 8 जून को, 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संस्था हरियाणा के 4 जिलों में सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल अस्पताल खोलेगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, किस देश की संस्था हरियाणा के 4 जिलों में सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल अस्पताल खोलेगी? तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। तो आपको बेल्जियम के बारे में पता होना चाहिए कि बेल्जियम की राजधानी क्या है और बेल्जियम की मुद्रा क्या है। इन दो चीज़ों के बारे में आपको क्या कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये दोनों चीज़ क्या है बेल्जियम की। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने जिला अस्पतालों में कैथ लैब शुरू की गई है? आपको बताना है कि हरियाणा में कितना जिला अस्पतालों में कैथ लैब शुरू की गई है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कितनी? 4। 4 जिला अस्पतालों में क्या कैथ लैब शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन में हरियाणा देश में किस स्थान पर रहा है? आपको बताना है प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन में हरियाणा देश में किस स्थान पर है। आपको बताना है किस स्थान पर रहा है। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? आपको बताना है कि हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किसका किया है? इन्होंने किया है मिस्टर वर्ड एंड बाइंडर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मिस्टर वर्ड बाइंडर पुस्तक का विमोचन है वो हरियाणा के पूर्व राज्यपाल थे कप्तान सिंह सोलंकी ने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है कि हरियाणा प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो क्या है, 18 नवंबर को क्या हरियाणा प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपूर्ण हरियाणा में कब संविधान दिवस मनाया गया? आपको बताना है कि हाल ही में संपूर्ण हरियाणा में कब संविधान दिवस मनाया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 26 दिसंबर को क्या है, पूरे हरियाणा में संविधान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रमुख अभिनेता सीताराम पंचाल की आखिरी फिल्म कौन सी है जो अभी रिलीज हुई है? आपको बताना है कि हरियाणा के प्रमुख अभिनेता है सीताराम पंचाल, उनकी आखिरी फिल्म कौन सी है जो अभी रिलीज हुई है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 21 तारीख शुभ मुहूर्त है उनकी ये फिल्म है, आखिरी फिल्म सीताराम पंचाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हर 10 किलोमीटर में हरियाणवी संस्कृति व धरोहरों की झलक दिखा रहे कितने मोन्यूमेंट मनाए जा रहे हैं? आपको बताना है कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है उस पर हर 10 किलोमीटर में हरियाणवी संस्कृति व धरोहरों की झलक दिखलाते कितने मोन्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं? तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन पुराण और ब्रह्मा पुराण इत्यादि ग्रंथों में कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कितने कुपों का वर्णन किया है? आपको बताना है कि वामन पुराण और ब्रह्म पुराण इत्यादि ग्रंथों में कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कितने कुपों का वर्णन किया है? तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 कुपों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस विभाग द्वारा तैयार की गई विकास गीत की सीडी को गुरुग्राम से लॉन्च किया? आपको बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस विभाग द्वारा तैयार की गई विकास गीत की सीडी को गुरुग्राम से लॉन्च किया है? तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा तैयार की गई सीडी, इसको क्या भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक में 64 फीट ऊंची चौधरी छोटूराम की प्रतिमा को किसने बनाया है? आपको बताना है कि रोहतक में एक 64 फुट ऊंची चौधरी छोटूराम जी की एक प्रतिमा को बनाया गया है, तो उसको किसने बनाया है? तो उसको बनाया है राम वी सुथार ने इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार कब से
हरियाणा के सामाजिक पेंशन भागियों की पेंशन 2000 रुपये कर रही है। आपको बताना है कि हरियाणा सरकार कब से हरियाणा के सामाजिक पेंशन विभागियों की पेंशन 2000 रुपये कर रही है, तो वो कर रही है 1 नवंबर से। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही जवाब है, 1 नवंबर से कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में गर्भवती महिलाओं के लिए कितने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल खोले जाएंगे। आपको बताना है कि हरियाणा में गर्भवती महिलाओं के लिए कितने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल खोले जाएंगे, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कितने, तीन, तीन हॉस्पिटल खोले जाएंगे हरियाणा में गर्भवती महिलाओं के लिए, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा सरकार किस विभाग के साथ मिलकर पुरातत्व से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन करने वालों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, हरियाणा सरकार किस विभाग के साथ मिलकर पुरातत्व से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन करने वालों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के साथ मिलकर। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण कब से शुरू किया जाएगा। आपको बताना है हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण कब से शुरू किया जाएगा, तो ये कब से शुरू किया जाएगा, अगले साल के बजट सत्र से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अगले साल बजट सत्र से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के 6 साल के आरुष जैन ने द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के 6 साल के आरुष जैन ने द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से अपना नाम दर्ज करवाया है। तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला जिले से है ये, पंचकुला जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 से 29 अक्टूबर तक रत्नावली महोत्सव का आयोजन किस हरियाणा के किस जिले में किया गया। आपको बताना है कि 26 से लेकर 29 अक्टूबर तक रत्नावली महोत्सव का हरियाणा के किस जिले में आयोजन किया गया, तो किस जिले में किया गया ये कुरुक्षेत्र में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, हरियाणा प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक्स ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है। आपको बताना है कि हरियाणा प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है, तो किस जिले में बनाया जा रहा है ये ऑप्शन नंबर डी, हिसार में, हिसार में बनाया जा रहा है जो हरियाणा प्रदेश का सबसे दूसरे बड़ा इंडोर स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में स्थित करण पार्क का जीर्णोद्वार किया गया है। आपको बताना है कि हरियाणा के किस जिले में स्थित करण पार्क का जीर्णोद्वार किया गया है, तो किस जिले में किया गया ये आपका किया गया है करनाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सबसे बड़े निशान साहिब की स्थापना किस जिले के गुरुद्वारे में की गई है। आपको बताना है कि हरियाणा के सबसे बड़े निशान साहिब की स्थापना किस जिले के गुरुद्वारे में की गई है, तो ये किस जिले कहाँ की गई है, ये की गई है हिसार में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हरियाणा के किस जिले में स्थित लाट की मस्जिद का सौंदर्यीकरण करवाएगा। आपको बताना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हरियाणा के किस जिले में स्थित लाट की मस्जिद का सौंदर्यीकरण करवाएगा, तो इसमें आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इशार, ये भी इशार है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, देश भर की 52 शक्ति पीठों में से हरियाणा की एकमात्र शक्ति पीठ भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि देश भर की 52 शक्ति पीठों में से हरियाणा की एकमात्र शक्ति पीठ भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है ये है कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट जी के 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं। अगर आप HSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी SI की हो,
वह हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक की हो, चाहे वह हरियाणा पुलिस की हो, या फिर हरियाणा पटवारी की क्यों ना हो। तो उन सभी के लिए क्या ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार इसको अवश्य करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी क्या ज़रूर शेयर करें जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास को क्या हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।